क्या आपको पता है मध्य प्रदेश में एक ऐसी सिटी है जहां आज भी भगवान राम को एक राजा की तरह पूजा जाता है। और क्या बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ ये एक छोटा सा शहर जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज की लिस्ट में आने के बावजूद हम भारतीय लोगों में इतना पॉपुलर नहीं है। बट नॉट एनी मोर, क्योंकि मैं आपको ले जा रहा हूँ एक ऐसे सोलो ट्रिप पे जहाँ हम पता करेंगे आखिर ओरछा में ऐसा क्या है जो उसे बाकी शहरों से अलग बनाता है, और आखिर क्यों ये सिटी आपके ट्रैवल बकेट लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। पिछले वीडियो में हमने भगवान श्री राम के 400 साल पुराने मंदिर में जाके एक राजा के रूप में दर्शन लिए, फिर विजिट किया यहाँ का हिस्टोरिक हेरिटेज डी ओरछा फोर्ट जो फेमस है उसमें बने हुए ब्यूटीफुल पैलेसेस, अमेजिंग बुंदेला और मुगल आर्किटेक्चर्स एंड कैप्टिवेटिंग फ्रिस्को पेंटिंग्स के लिए। और अब हम जा रहे हैं चतुर्भुज टेम्पल, जिसको यहाँ के लोग भूलभुलैया भी बोलते हैं, और भूलभुलैया क्यों बोलते हैं अभी वो जाके ही पता चलेगा। तो लेट्स गो। ये बड़ा सा मंदिर भगवान विष्णु को डेडिकेट किया गया है, पर लोकल्स की माने तो ये मंदिर भगवान श्री राम के लिए बनाया गया था। पूरा खाली मंदिर 500 साल पुराना 500 साल पुराना है, तेरे को पता है? बताएगा कुछ मेरे को तू इसमें? राजा रूप प्रताप सिंह मंदिरला ने बनवाया था मंदिर जी बाल कनी में, वहाँ से निर्भर जाते थे। जब भी कोई मेहमान आता था तो 10 मिनट का खिलाड़ते थे। अच्छा, मंदिर है 16वीं शताब्दी का। कितने साल गए तू? 13 साल। इतना कैसे पता चल मेरे को? सब पता है, थैंक यू सर। ठीक है, चलो, थैंक यू भाई। दर्शन लेने के बाद अब बारी आती है ये जानने की कि आखिर क्यों इस मंदिर को भूलभुलैया कहते हैं। अब ये जानने के लिए हमें मंदिर में बने हुए इस छोटे अंधेरे सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ेगा। राइट नाउ वी आर इन भूलभुलैया और पहले लेयर पे तो पहुंच गए हैं, विच इज रियली गुड। और यहाँ से फोर्ट पूरा पूरा दिखता है, और यहाँ पे गाइड वगैरह का सीन होता है, अगर गाइड चाहिए तो गाइड कर सकते हो, वो थोड़ा इन्फॉर्मेशन देता है आपको। ओके, यहाँ से ऊपर जाने के लिए और एक रास्ता है, तो जितना अंदर जा रहे ना उतने अंदर जाने नहीं रहे ये लोग, मतलब आई थिंक इसी की वजह से भूलभुलैया बोलते हैं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है जाना कहाँ है। यहाँ के सारे रास्ते सेम ही दिखते हैं, विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू रिमेम्बर। इधर भी रास्ता है। मैं आया इधर से, मेरे को थोड़ा आवाज आ रहा था, आई एम श्योर कि मेरे को इधर से ही जाना पड़ेगा। तो दिस वॉज द एलिवेशन जो हम लोग चढ़ गए हैं, हम लोग मतलब मैं और बाकी जो टूरिस्ट लोग हैं। आप एक के बाद एक फ्लोर एक्सप्लोर करके हम आ गए मंदिर के टॉप पे। दिख रहा होगा मैं लिटरली चढ़ रहा हूँ यहाँ पे। वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल। जहाँ से आप पूरे ओरछा शहर का नजारा देख सकते हो। कैन यू सी दैट? वो नदी पे भी जाना पड़ेगा यार। पर यहाँ पे हर जगह पे ऐसे मंदिर और ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। आई थिंक वो क्षत्रिय हो सकती है जो वहाँ पे कॉर्नर में दिख रही है। यहाँ पे एक ब्रिज है, उसके बाद जो नदी दिख रही है ये राजा का महल है। उसके बाजू में अगर आप देखोगे तो देयर इज समथिंग, और ऐसा ही हर जगह पे थोड़े थोड़े दूर पे वो दिख रहा है। मंदिर पे बड़े से 4 डोम्स है जो भगवान विष्णु के 4 भुजाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपना मंदिर जिसे भूलभुलैया कहते हैं वो हो गया है, और उसके टॉप पे आ गए। यहाँ पे ना आने के लिए अलग अलग जगह है। मैं इस दरवाजे से आया था, लेकिन अगर हर जगह पे देखोगे वहाँ पे एक दरवाज़ा है, और जितने ऐसे छोटे छोटे मंदिर के टॉप जैसे जो दिख रहे हैं उन सब में से एक एक रास्ता आता है। अब मुझे ये पता नहीं कि ये कैसे जाता है, तो मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ से ही जाऊँगा। आई डोंट वॉन्ट टू गेट स्टक इन दिस भूलभुलैया। और अभी शाम में निकलते हो छत्रिया देखने, क्योंकि बोला जाता है कि इवनिंग के टाइम पे सनसेट वहाँ से बहुत प्यारा लगता है, तो डेफिनेटली हमें सनसेट तो एंजॉय करना है ही। तो चलो चलते, अभी फिलहाल के लिए निकलते नीचे। एंड बिलीव मी, आगे जो हुआ वो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वेल
मैंने बोला था मैं यहाँ से आया, बट मैं यहाँ से नहीं आया था क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं जाने के लिए। तुम यहाँ से आया होगा तो गया, भूल गया। नहीं, अब मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा, वहाँ से जाओ या यहाँ से जाओ, वहाँ से ट्राई करते हो। वहाँ से नहीं जा सकता मैं, निकले वहाँ से नहीं आया, मोस्टली यहाँ से आया हूँ। तो या ये जाके देखते हैं। यस, यहाँ से रास्ता है, थोड़ा प्रकाश भी दिख रहा है। रोप स्टिफ सर, हाई रिस्ट। नॉट हियर। एट दिस पॉइंट मुझे समझ में आ चुका था कि इस मंदिर को आखिर भूल भुलैया क्यों कहते हैं। चलो ये मिल है कुछ नीचे जाने के लिए, और मेरे चेहरे पे वो गुम होने का डर, भूलने का डर साफ साफ दिखाई दे रहा है। अच्छा खासा पता चल रहा है कि इसको भूल भुलैया क्यों बोलता है। फट तो रही है लेकिन दिखाएंगे किसको। फाइनली आई सॉ सम लाइट। Holy shit! ग्राउंड पे आ गया हूँ। इससे नीचे जाने के लिए अभी आई थिंक यही से कहीं से रास्ता होगा, क्योंकि जहाँ से मैं ऊपर चढ़ा था वो यहीं पे दिख रहा है। हाँ, अच्छा नॉक। फाइनली यार बैक। 10-15 मिनट के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के फाइनली हमने रास्ता ढूंढ लिया। सच में हुई बने यार ये। अभी हम जा रहे कंचना घाट जस्ट टू विटनेस एन अमेजिंग सनसेट, पर उससे पहले लेट्स गो एंड एक्सप्लोर यहाँ की रॉयल कैंटॉप्स, जिसे हिंदी में छत्रिया बोलते हैं। जैसे कि आपको पता है, अपन ने इसके पहले चित्रभुज टेम्पल देखा, वो टेम्पल देखने के बाद मैं गया था अपने होम स्टे पे। तो अभी मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे जो चार छत्रीज है उनके पास आ रहा हूँ और वहाँ पे देखना चाहता हूँ कि अभी है क्या। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर द प्लेस। सो राइट नाउ वी आर एट द छत्रीज। जगह काफ़ी अच्छी लग रही है, ऑब्वियसली यहाँ पे भी लोग नहीं है। जस्ट लुक एट दिस, सब जगह पे एक दो लोग ही दिख रहे हैं। ये छत्रीज क्यों बोलते हैं वो अभी तक पता नहीं चला है, वो देखता हूँ, किसी से पूछ के देखते हैं। गाइड नहीं लिया है तो थोड़ा दिक्कत जा रही है मुझे ना। यहाँ की सारी चीज़ें एकदम ऐसे मस्त से कैसल जैसे लग रही है। आई मीन जस्ट लुक एट दिस, हर एक चीज़ को इंडिविजुअली देखोगे तो इट इज़ लाइक अ कैसल। बहुत सुंदर लग रहा है। ओके, सो आई जस्ट गॉट टू नो कि छत्रिया मतलब होता है यहाँ पे समाधि है उन राजाओं की। सब राजाओं की एक एक छत्री ऐसे बना के रखी हुई है और उनके याद में बनाया हुआ ये। इट इज़ रियली गुड, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि ये ऐसा कुछ है। बट या आई थिंक दिस इज़ गुड, गुड टू नो, गुड टू सी। ये सुंदर पार्क्स और उनमें बने हुए ये सुंदर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर्स अलग अलग राजाओं की याद में बनाए गए हैं, और यहाँ पे ऐसे टोटल 14 समाधि है जो देखने में काफी सुंदर है। और एक इंटरेस्टिंग चीज, ये जो छत्रिया है ये 16 से लेके 18 सेंचुरी के बीच में बनाई हुई है। तो अभी थोड़ा जाटते आगे घाट देखते हैं, यहाँ पे घोड़े दिख रहे हैं, और जो ये मेरे पीछे देख पा रहे हो ना, ये दोनों भी छत्रिया ही हैं, दो अलग अलग राजाओं के। अभी इनको थोड़ा रिटच चल रहा है, आई थिंक ये गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव्स है, थोड़ा रिटच वगैरह करके वो फिर से इसको अच्छे से बनाएंगे, सो दैट टूरिस्ट एंड अट्रैक्टर। तो बेतवा घाट या कंचना घाट ऐसे नाम से बुलाते हैं इसको, एंड दिस इज़ रियली गुड। अब मैं बोल रहा हूँ आपको समझ नहीं रहा, मैं दिखाता हूँ क्या बोल रहा हूँ। लुक एट दिस, तो भाई अभी छत्रिया देख के तो हो गया है, और अभी हम लोग जा रहे हैं नदी के उस पार, जो मैंने आपको नदी दिखाया था उसके अपोजिट साइड में। मैंने सुना है वहाँ से सनसेट बहुत सुंदर होता है। आई एम नॉट रियली श्योर, अभी जाके देखते हैं तभी पता चलेगा। तो चलते हैं वहाँ फिर। सो यस, इट इज़ ट्रू कि यहाँ से सनसेट अच्छा दिखता है। अभी तो मैं फिलहाल ब्रिज पे आप देख सकते होंगे, आई एम इन राइट मिडल ऑफ द बेतवा रिवर,
और वहाँ पे छतरी है, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। मेरा सनसेट देख के हो गया है और अभी छतरी इज स्टिल लुकिंग ब्यूटीफुल। आई मीन जस्ट लुक एट दिस मैन, हाउ ब्यूटीफुल ही है। अभी थोड़ी देर में मैं घर की तरफ रवाना होगा, थोड़ी देर यहीं पे बैठ के चिल करता हूँ, थोड़ा एब्जॉर्ब करता हूँ चीज़ों है ना। और क्यों घर जाता? वेल, अब तक आप समझ ही चुके होंगे, यहाँ के रॉयल पैलेसेस, उनमें बनी हुई फ्रिस्को पेंटिंग्स, घुमा देने वाले मंदिर और ये सुंदर समाधियाँ। ओवरऑल ये क्राउडलेस रॉ हेरिटेज इस जगह को यूनिक बनाता है, जिसे एक्सपीरियंस करने आप लोगों ने यहाँ आना ही चाहिए। बात अगर हम एक्सपीरियंस की कर रहे हैं तो ये प्लेलिस्ट में आपको साउथ इंडिया के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस, कुछ ऐसे प्लेसेस के बारे में पता चलेगा जो आपको नहीं पता होंगे। सो डू चेक आउट दिस प्लेलिस्ट।